तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। व्यस्त कहाँ पर होंगे? अपनी पढ़ाई लिखाई में। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। पॉलिटी के नए बैच को स्टार्ट कर दिया है बेटा आप लोगों के कहने पर। और इस बैच में बेटा अभी तक हमने दो लेक्चर लिए हैं। हमारा पहला लेक्चर था 1773 का नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम, और दूसरा बेटा जो इसमें एक संशोधन किया गया था 1781 का, उसे हमने बहुत विस्तार से पढ़ लिया है। आइए बेटा, आज की जो हमारी विषय वस्तु है वह 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो बेटा जब हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बेटा मैं आपको हर एक एक्ट को तीन चरणों में बांटकर पढ़ाता हूं कि उसके कारण, उसके प्रावधान और उसके निष्कर्ष। तो बेटा स्वाभाविक बात है, इस एक्ट को लाए जाने के कारण क्या थे? तो सबसे पहले बेटा इस एक्ट को लाए जाने के कारणों की चर्चा करेंगे कि वो क्या कारण थे जिसके कारण ये एक्ट, ठीक है बेटा, लाया गया। तो इसका जो सबसे पहला कारण है बेटा, और जो सबसे प्रमुख कारण है, वह रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बेटा, कहीं ना कहीं कमियों को दूर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया के लिए। यदि बेटा ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया है, तो 1781 का संशोधन भी तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को ही दूर करने के लिए लाया गया था, आपको पता होगा बेटा। तो कुछ ना कुछ कमियां ऐसी बची होंगी बेटा जो कि 1781 के संशोधन में दूर नहीं होंगी, तो इसलिए बेटा हमें आवश्यकता पड़ी एक और अधिनियम को लाने की, जिसके कारण, ठीक है, हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर कर सकें। ठीक है बेटा, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए अधिनियम लाया गया। तो सबसे पहले तो बेटा हम ये देख लेते हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उनमें बेसिकली क्या क्या कमियां थी, उस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या कमियां थी, आइए बेटा हम उसकी कमियों को देख लेते हैं और फिर हम बात करेंगे वो कौन सी कमियां थी जिसको हमने 1781 के ही संशोधन में दूर कर लिया था, और बाकी की बची हुई कमियों को हम लोग बेटा 84 के पिट्स इंडिया एक्ट में दूर कर लेंगे। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जब बेटा हम लोग इसकी कमी के बारे में बात करेंगे तो इसकी सबसे पहली कमी थी, ठीक है बेटा, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहली कमी बेटा, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र जो सबसे पहली कमी थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को तो हमने 1781 के संशोधन में ही दूर कर लिया था। 1781 के संशोधन में ही हमने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को दूर कर लिया था, और बोला गया था कि कलकत्ता के, ठीक है, जितने भी निवासी होंगे वह सभी इसके अधिकार के अंतर्गत आएंगे, साथ ही साथ कलकत्ता के अंग्रेजी मतलब यूरोपीय प्लस साथ ही साथ बेटा भारतीय जो भी नागरिक होंगे वो इसके अधिकारिता के अंतर्गत आते होंगे। तो अधिकार क्षेत्र क्लियर कर लिया हमने, ठीक है, कहां पर बेटा, 1781 के संशोधन क्षेत्र में ही जो एक कमी थी उसको दूर कर लिया। दूसरी कमी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित थी बेटा कि ये किन कानूनों के आधार पर न्याय करेगा, किन कानूनों के आधार पर न्याय करेगा, न्याय करेगा बेटा, इस कमी को भी दूर कर लिया गया था, ठीक है ना, कि जो भारतीय होंगे तो भारतीय में जो हिंदू होंगे तो हिंदुओं की रीति रिवाजों के आधार पर न्याय होगा, और जो मुस्लिम होंगे बेटा उनके लिए ईसाई, उनके लिए इस्लामी कानूनों के आधार पर न्याय होगा। ठीक है, तो किन कानूनों के आधार पर न्याय होगा इस बात को भी यहां पर क्लियर कर लिया गया है 1781 के संशोधन में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। अब इसके साथ ही साथ बेटा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद के मध्य जो संबंध है और उन संबंधों की जो अस्पष्टता थी उसको भी 1781 के संशोधन में दूर कर लिया गया था। तो बेटा तीसरा हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि गवर्नर जनरल और परिषद बेटा, जो उसकी परिषद तथा सुप्रीम कोर्ट के मध्य संबंध। तो इन संबंधों में बेटा आपने देखा था 1781 के संशोधन में सुप्रीम कोर्ट और उसकी परिषद को, सॉरी, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा कहीं ना कहीं बेटा ज्यादा अधिकार मिला था, और गवर्नर जनरल उसकी परिषद कोई भी कानून यदि बनाती है तो उन कानूनों को अब बेटा सुप्रीम कोर्ट के पास पंजीकृत करने कि कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कोई भी कानून बनाती है तो अब उन्हें पंजीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बेटा कमियां जिनको हमने 1781 के संशोधन को
दूर कर लिया था बेटा, या फिर 1781 के संशोधन में हम आपको बेटा एक और चीज बताते हैं कि इसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है, इस बात को बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि एक्ट ऑफ सेटलमेंट है तो हिंदी में इसको हम लोग बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं, बंदोबस्त कानून, ठीक है बेटा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। या फिर हम लोग इसको बेटा बंगाल जुडिशरी एक्ट भी कहते हैं, 1781 के संशोधन को हम लोग क्या बोलते हैं, बंगाल जुडिशरी एक्ट के नाम से भी, एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये प्रत्येक विद्यार्थी को बेटा ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में और क्या कमियां थी, ठीक है, जिनको दूर नहीं किया गया। तो सबसे पहली कमी बेटा और सबसे महत्वपूर्ण कमी जो आप लोगों ने भी देखी वो ये थी कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के जो बेटा 4 सदस्य थे प्लस उसके बेटा जो परिषद थी, इनके बीच में भी बेटा लगातार डिस्प्यूट था, ठीक है ना, क्योंकि परिषद के द्वारा बनाए गए कानून को ही प्रमुखता दी जाती थी और गवर्नर जनरल का कानून बनाने में कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं था वास्तव में। मतलब बेटा मैं बोल सकता हूं कि जब कोई भी कानून का निर्माण हो रहा हो तो उस कानूनों के निर्माण में परिषद के जो सदस्य होंगे केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। आपको पता है बेटा परिषद के सदस्यों को ही वोट देने का अधिकार था और गवर्नर जनरल को बेटा वोट देने का अधिकार केवल तब था जब बेटा वह मत आपका निर्णायक हो, तो निर्णायक मत की स्थिति में ही गवर्नर जनरल मत दे सकता था, परिषद के सदस्यों को ही वोट देने का अधिकार था। तो परिषद के सदस्य की इच्छा होती तो वही कानून बनता और यदि उनकी इच्छा नहीं होती तो वह कानून नहीं बनता। गवर्नर जनरल बेटा, ठीक है ना, इस बोल सकता हूँ इस विचित्र व्यवस्था से हमेशा परेशान रहा और इससे सबसे ज़्यादा परेशान रहने वाला जो गवर्नर जनरल था, जो एक्चुअली बेटा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी है, वह वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। कौन था बेटा? वॉरेन हेस्टिंग। ये बात क्लियर करनी है बेटा, वो वॉरेन हेस्टिंग्स था जो इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा परेशान रहा, वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए बेटा, तो इस कमी को चूंकि 1781 के संशोधन में दूर नहीं किया गया था तो अब बेटा इस कमी को कहां दूर किया जाएगा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, पहली कमी बेटा, ठीक है, जिसको दूर नहीं किया गया था। और दूसरी कमी बेटा, ठीक है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी है बेटा, ठीक है ना, उसको मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के ऊपर अधिकार तो दिए गए थे, उसको मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के ऊपर अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन बेटा इन अधिकारों को भी स्पष्ट नहीं किया गया था। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी क्योंकि बताया गया था बेटा कुछ ऐसी आपातकालीन, ठीक है ना, ऐसी आपातकालीन परिस्थितियां, और उन आपातकालीन परिस्थितियों का कोई जिक्र ही नहीं है कि वह कौन सी आपातकालीन परिस्थितियां हैं जिन आपातकालीन परिस्थितियों में मद्रास और बंबई के गवर्नरों को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। वे उन आपातकालीन परिस्थितियों का वास्तव में बेटा कोई जिक्र ही नहीं किया गया था। चलिए, तो बेटा ये जो आपातकालीन परिस्थितियां जिनका कोई जिक्र नहीं किया गया था, तो बेटा इस कमी को भी 1784 के, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में दूर करने का प्रयास किया जाएगा, आपातकालीन परिस्थिति, ठीक है बेटा, इन कमियों को भी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिला के वो कमियां जो 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में दूर हो गई थी वो ये रही, और जो दूर नहीं हुई थी बेटा वो ये रही, और इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा 84 के पिट्स इंडिया एक्ट में। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आगे चलते हैं बच्चे। अब मैं बोलता हूं स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। अब बेटा मैं फिर भी जब मैं कारण बताता हूं तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के केवल यही कारण नहीं थे, केवल यही कारण, ठीक है बेटा, और भी इसके कारण थे, क्योंकि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट बेटा निर्मित हुआ था वह केवल 1773 की ही कमियों को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि बेटा उसका जो विजन था वो बड़ा ब्रॉड था, ठीक है ना, वो बेटा ऐसे ऐसे मैं बोल सकता हूँ बेटा कि उसने सबसे पहले तो 73 की कमियों को, ठीक है, देखा, और 73 की कमियों को देखने के बाद बेटा उसका गहन अध्ययन करने के बाद एक ऐसा अधिनियम बनाया जो कि बेटा बड़ा दूरदर्शी भी साबित हुआ और जो कहीं ना कहीं
बहुत सारी कमियों को आगे आने वाले समय काल तक बेटा दूर करता रहेगा। तो कुल मिला के आइए बात करेंगे कारण में, और कारण को हम सबसे पहले तीन भागों में बांटेंगे इसके कारण को। सबसे पहला आर्थिक, दूसरा प्रशासनिक और तीसरा हमारा कारण रहेगा राजनीतिक। हमने कारणों को तीन भागों में बांटा, आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक। देखो बच्चे, जब आर्थिक कारणों की बात करेंगे कि वह कौन से आर्थिक कारण थे जिनके कारण 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को लाए जाने का बेटा प्रयास किया गया या पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया, तो आर्थिक कारणों में बेटा सबसे पहला कारण है कि अब मराठा युद्ध हुए हैं, आंग्ल मराठा युद्ध, और इन आंग्ल मराठा युद्धों से बेटा कंपनी को फिर से भारी आर्थिक क्षति हुई। ठीक है, सबसे पहला प्रमुख प्रावधान तो ये था कि मराठा युद्धों से बेटा कंपनी को पुनः भारी आर्थिक क्षति, और जब भारी आर्थिक क्षति हुई बेटा तो कंपनी ने फिर से 10,00,000 पौंड, ठीक है, ऋण की मांग की। ठीक है, कुल मिला के यह जो सिलसिला था बेटा ये नहीं रुका, और कंपनी फिर से 10,00,000 पौंड अतिरिक्त ऋण की मांग करती है ब्रिटेन की सरकार से, और अब सरकार को लग जाता है कि अब बड़े स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। जब कंपनी से पूछा गया कि इतने सारे परिवर्तन करने के बावजूद भी आर्थिक नुकसान तुम्हारा रुक क्यों नहीं रहा, तो कंपनी का सीधा सा जवाब था कि व्यापार में बने रहने के लिए भी हमें राजनीतिक, ठीक है ना, बहुत सारी क्रियाकलाप करते रहते हैं, उन राजनीतिक क्रियाकलापों में युद्ध भी होता है, संघर्ष भी होता है, संधि भी होती है, जिसमें एक बहुत बड़ा धन खर्च होता है, और वह धन तो जाता है कंपनी के मुनाफे से ही, तो इसलिए कंपनी का नुकसान होना स्वाभाविक होता है। आपको बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, इसको भी दूर किया जाएगा, इस परेशानी को। तो आर्थिक कारणों में सबसे पहले मराठा युद्धों से कंपनी को भारी आर्थिक क्षति पहुंची, इससे बेटा कंपनी के शेयर भी गिरे, और साथ ही साथ 10,00,000 पौंड अतिरिक्त ऋण की मांग पुनः कंपनी ने कर दी। ठीक है, 10,00,000 पौंड ऋण की मांग, ठीक है, पुनः 10,00,000 पौंड, ठीक है बेटा, मैं पुनः लिख देता हूँ, पुनः 10,00,000 पौंड, क्योंकि इससे पहले 10,00,000 पौंड उसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले मांगे थे, आपको याद होगा। अब जब मैं बेटा प्रशासनिक कारणों की बात करूंगा, तो प्रशासनिक कारणों में बेटा ब्रिटेन की जो संसद थी या फिर जो सरकार थी बेटा, वो प्रशासनिक सुधार चाहती थी कि कंपनी के भीतर अब भी कुछ ऐसी कमियां हैं, ठीक है, जिनको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, अर्थात प्रशासनिक सुधार बहुत जरूरी है, और प्रशासनिक सुधार के लिए बेटा आवश्यक होता है प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना। और प्रशासनिक नियंत्रण कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो बेटा आपको पता है ना, गवर्नर जनरल, ठीक है ना, और उसकी परिषद के 4 सदस्य, ठीक है ना। अगर गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल बेटा बंगाल का वारेन हेस्टिंग था, तो उसकी परिषद के जो प्रथम 4 सदस्य थे बेटा वो फ्रांसिस, आपको याद होंगे बेटा, बोलो मेरे साथ साथ, फ्रांसिस, दूसरा क्लेवरिंग, तीसरा मॉनसन और चौथा वॉरवेल। ठीक है, बोलो मेरे साथ साथ, बोलो, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन, वॉरवेल, ये 4 सदस्य थे। निर्णय बहुमत के आधार पर होता था, ठीक ना, गवर्नर जनरल को केवल निर्णायक मत देने का अधिकार था। तो बेटा ये जो पूरी दुविधा थी ना, ये जो पूरी दुविधा थी, इसको दूर किए जाने की आवश्यकता थी, और अगर ये दूर होगी तभी प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो पाएगा, और तभी बेटा ये प्रशासनिक सुधार हो पाएगा। तो इसलिए बेटा इस परेशानी को भी दूर करने का बहुत आवश्यकता महसूस पड़ रही थी, हो रही थी, ये भी दूर की जाएगी। अब बेटा राजनीतिक सुधार के लिए बेटा जरूरी है राजनीतिक नियंत्रण, वही बात बेटा, राजनीतिक सुधार के लिए आवश्यक है राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना। और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए बेटा, ठीक है ना, कंपनी जो लगातार युद्ध, संघर्ष और संधि कर रही है, इस पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। लगातार जो युद्ध, संघर्ष और संधि कर रही है, इस पर बेटा तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। यदि ये तीनों प्रकार के सुधार हो गए, ठीक है ना, आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक, तो स्वाभाविक सी बात है बेटा, कंपनी को जो क्षति हो रही है उस क्षति को ही भरपाई की जा सकती है, कंपनी दोबारा से सरप्लस में आ सकती है। कारण तो ये हैं। अब बात करेंगे बेटा वो कौन कौन से प्रावधान थे, ठीक है ना, जो अपनाए गए
ब्रिटेन की संसद के द्वारा, जिससे कि कंपनी को होने वाले इस नुकसान की भरपाई की जा सके और प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार की जा सके। तो वो कौन कौन से प्रावधान थे? तो प्रावधानों के बारे में चर्चा करने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। प्रावधानों के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग बेटा तीन पहलुओं पर चर्चा करेंगे, और वे तीन पहलू हैं क्या क्या कि जब बेटा ये 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट बना, तो इससे पहले दो और अधिनियम लाए गए थे। पहला था बेटा डंडास का विधेयक, दो और विधेयक लाए गए थे। ठीक है, यदि वे संसद से पास हो जाता तो वह विधेयक या बिल अधिनियम बन जाता, क्योंकि वह पास ही नहीं हुआ था। तो पहला है बेटा डंडास का विधेयक, ठीक है, डंडास। दूसरा था बेटा फॉक्स का विधेयक, ठीक है। और तीसरा था मेरे प्यारे बच्चे, ठीक ना, पिट्स का विधेयक या पिट्स का विधेयक। और यही पिट्स का विधेयक पास हो सका, और यही पिट्स का विधेयक बेटा आगे चल के बन जाता है पिट्स का इंडिया एक्ट, ठीक है। यही पिट्स का विधेयक क्या बन जाएगा? पिट्स का इंडिया एक्ट। अब देखो बेटा डंडास कौन है? तो डंडास को समझने से पहले बेटा हम एक बात समझ लेते हैं कि जब 73 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, तो उसके बाद दो समितियां बना दी गई थी। एक समिति तो बनाई थी गुप्त समिति, सीक्रेट कमेटी, और दूसरी बनाई गई थी बेटा तुम्हारी प्रवर समिति, ठीक है, जिसको हम सेलेक्टिव कमेटी बोलेंगे। दो समितियां बनाई गई थी। गुप्त समिति का जो अध्यक्ष था वह डंडास था, ठीक है। और जो प्रवर समिति का अध्यक्ष था बेटा, ठीक है, ये जो प्रवर समिति थी, तो बेटा गुप्त समिति का अध्यक्ष डंडास था, ठीक है ना। और जो प्रवर समिति थी बेटा, प्रवर समिति को जांच करनी थी, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है बेटा, ठीक है, एवं जो गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद है बंगाल की, एवं उसकी परिषद के आपसी संबंधों की जांच करनी थी, ठीक है बेटा। क्योंकि देखो मेरे प्यारे बच्चे, प्रवर समिति, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल उसकी परिषद के आपसी संबंधों की जांच करनी थी। अगर बेटा यह संबंध सुधरे तो स्वाभाविक बात है प्रशासनिक सुधार होगा, ठीक है ना। अगर यह संबंध सुधरते हैं तो क्या होगा बेटा? प्रशासनिक सुधार होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दूसरा है बेटा गुप्त समिति जिसका अध्यक्ष डंडास था। इस समिति को बेटा मराठा युद्ध के कारणों की जांच करनी थी, क्योंकि बेटा मराठा युद्ध के कारण ही तो कंपनी को भारी आर्थिक क्षति हुई थी, है ना। आपको बताया मराठा युद्धों से ही तो कंपनी को भारी आर्थिक क्षति हुई थी। जब कंपनी ने बेटा 1,00,000 पौंड का ऋण मांगा, तो डंडास ने इस ऋण की 1,00,000 पौंड ऋण की स्वीकृति दे दी, ठीक है बेटा। और साथ ही साथ बेटा इस डंडास ने अपने विधेयक पर कंपनी पर पूर्ण रूप से केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने की बात कही, ठीक है, पूर्ण रूप से केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने की बात कही। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे डंडास का यह विधेयक पारित ना हो सका और इसकी इस मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। जो उसने 1,00,000 पौंड ऋण देने की बात कही थी, इसको अस्वीकृत कर दिया गया। अब आया बेटा फॉक्स का विधेयक। फॉक्स उस समय बेटा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और फॉक्स के साथ साथ बेटा यहां पर लिख देता हूं, फॉक्स के साथ साथ, ठीक है, जो 73 वाले लॉर्ड नॉर्थ थे, जिसको मैंने बोला था नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट, उनकी बेटा मिलीजुली सरकार थी जो उस समय बेटा ब्रिटेन में काम कर रही थी। तो फॉक्स ने बेटा एक इंडिया बिल, ठीक है, एक बिल बनाया जिसका नाम हुआ इंडिया बिल,
इंडिया बिल, और इस इंडिया बिल को वास्तव में तैयार किया था बेटा फिलिप फ्रांसिस ने, फिलिप फ्रांसिस और एडमंड बर्क ने, और एडमंड बर्क ने वास्तव में बेटा इसको तैयार किया था। अब इस बिल में बेटा क्या था, इस बिल में भी कंपनी पर ठीक है नियंत्रण स्थापित करने की बात कही गई, और इसमें बोला गया बेटा कि कंपनी के ठीक है ना, इसमें क्या बोला गया कि बेटा कंपनी के, कंपनी जितने भी ठीक है सैनिक और राजनीतिक मामले हैं, सैनिक और ठीक है राजनीतिक मामले हैं बेटा जितने भी, देखो बहुत अच्छे से समझना, जितने भी बेटा सैनिक और राजनीतिक मामले हैं उसे एक सात सदस्यीय बोर्ड को सौंप देना चाहिए। कंपनी के सैनिक और राजनीतिक मामलों को सात सदस्यीय बोर्ड को सौंप देना चाहिए, सौंप देना चाहिए ठीक है। हालांकि इस बोर्ड का नाम अभी क्लियर नहीं किया गया था। और दूसरा बेटा जो उसके व्यापारिक मामले हैं, व्यापारिक मामले ठीक है वो उसी के पास रहें जिसके पास थे, अर्थात कोर्ट, जो बेटा उसके व्यापारिक मामले हैं ये व्यापारिक मामले उनके अधीनस्थों एवं उपनिदेशकों को सौंप दिए जाए ठीक है। तो कुल मिला के बेटा फॉक्स का जो इंडिया बिल था उसकी सिफारिशें ये थी, इस इंडिया बिल को वास्तव में तैयार किया था फिलिप फ्रांसिस और एडमंड बर्क ने, और उसकी सिफारिशें थी कि कंपनी के जो सैनिक और राजनीतिक मामले थे वो एक सात सदस्यीय समिति को, बोर्ड को सौंप दिए जाए, व्यापारिक मामले उनके अधीनस्थ एवं उपनिदेशकों को सौंप दिए जाए। ये जो बिल था बेटा ये वहां के निम्न सदन, ये जो बिल था इंडिया बिल, इंडिया बिल वहां के जो बेटा निम्न सदन था ठीक है हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहां है ना बेटा, हमारे यहां निम्न सदन क्या है लोकसभा, और हमारे यहां उच्च सदन क्या है राज्यसभा। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में तो ये बिल बेटा पारित हो गया ठीक है, लेकिन जैसे ही वहां के उच्च सदन में गया, और वहां का उच्च सदन क्या है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे हमारे यहां राज्यसभा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और बेटा ये जो द्वि सदनीय व्यवस्था है ना ये हमने ब्रिटेन से ही ली है, लेकिन बेटा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित ना हो सका। और बेटा ये पहला और अंतिम ऐसा अवसर था जब फॉक्स और नॉर्थ की मिलीजुली सरकार गिर गई, पहला एवं अंतिम ऐसा अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर, भारतीय मामले पर ब्रिटेन की सरकार गिरी हो, भारतीय मामले पर बेटा ब्रिटेन की सरकार गिरी हो, ब्रिटेन की सरकार गिरी हो, ये पहला और अंतिम ऐसा अवसर था। तो कुल मिला के बेटा फॉक्स का विधेयक भी पारित ना हो सका। अब हम रुक करेंगे बेटा पिट्स के विधेयक की ओर, कि पिट्स का विधेयक क्या था और वो पारित होके ठीक है पिट्स का इंडिया एक्ट बना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका ठीक है, एक बार मैं मोटा मोटा बेटा क्लियर कर देता हूं। 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट क्यों लाया गया, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए, और वो कमियां जो कि 1781 के संशोधन में दूर नहीं हुई थी उन कमियों को दूर करने के लिए ठीक है। क्या क्या कमियां थी बेटा वो मैंने कमियां आपको बहुत विस्तार से बताई कि जो दूर कर ली गई और जो दूर नहीं की गई ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कमियों को बहुत हद तक दूर कर लिया गया था, लेकिन गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच में जो डिस्प्यूट था वो दूर नहीं हुआ था। और साथ ही साथ जो बेटा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियां थी उनके बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ जो संबंध थे उनमें भी खटास बनी हुई थी और वो स्पष्ट नहीं थे, आपको पता है बेटा ठीक है। अच्छा इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बेटा दो समिति बनी थी, गुप्त समिति और दूसरी थी प्रवर समिति। गुप्त समिति का अध्यक्ष डंडास था जिसको मराठा युद्ध के कारणों की जांच करनी थी, प्रवर समिति जो बेटा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के आपसी संबंधों के जांच करेगी ठीक है। बेटा 1,000,000 पौंड की जो ऋण की स्वीकृति थी ठीक है ना वो डंडास ने दे दी, ये जो 1,000,000 पौंड ऋण की स्वीकृति थी बेटा ये डंडास ने दे दी क्योंकि कंपनी को भारी आर्थिक क्षति हुई मराठा युद्धों से और कंपनी ने फिर से 1,000,000 पौंड का ऋण मांगा। डंडास ने इस ऋण को स्वीकृति दे दी कि भैया ठीक है आप ऋण दे दो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ठीक है ना जब डंडास ने विधेयक कंपनी पर पूर्ण रूप से केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने की बात कही और बेटा इस पूरे के पूरे विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया, उसके बाद फिर फॉक्स का विधेयक जो फॉक्स और नॉर्थ कि मिली जुली सरकार वहां पे काम कर रही थी उसने, उन्होंने बेटा इंडिया बिल तैयार किया। इस इंडिया बिल को वास्तव में फिलिप फ्रांसिस और एडमंड बर्क ने तैयार किया था ठीक है। यह कंपनी के बेटा राजनीतिक और सैनिक मामलों को सात सदस्यीय बोर्ड को सौंपने की बात कहते थे और व्यापारिक मामलों को उनके अधीनस्थ एवं उपनिदेशकों को। कुल मिला के बेटा यह पहला और अंतिम ऐसा अवसर था जिस पर सरकार गिर गई। अब आते हैं हम पिट्स के विधेयक की ओर, बात क्लियर है, आप लोगों ने रिविजन भी कर लिया।
तो भैया स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है, इसे कर देते हैं इरेज। और इसे इरेज करने के बाद बेटा हम आएंगे अब, ठीक है, पिट्स के विधेयक पर, कि पिट्स का विधेयक क्या था जिसको पारित कर दिया गया था। चलिए आइए बच्चे, अब बेटा बात कुछ ऐसी है कि जनवरी 1783 में, 1783 में विलियम पिट बनते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, और दबाव तो था ही कि कंपनी के लिए एक कानून बनाना है, और बेटा ये कंपनी की स्वीकृति पहले ही ले लेते हैं, ठीक है, और यही गलती फॉक्स करते हैं, लेकिन इस गलती को ये नहीं करते, ये कंपनी की पहले ही स्वीकृति ले लेते हैं और उसके बाद फिर एक ऐसा कानून बनाते हैं जो काफ़ी हद तक बेटा वैसा ही था जैसा फॉक्स का था, और फॉक्स ने तो आरोप भी लगाया कि ये मेरे ही कानून को इन्होंने कट कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो कुल मिला के बेटा समझते हैं कि पिट्स का वो जो विधेयक था वह क्या था, या पिट्स का इंडिया एक्ट। तो जब पिट्स के इंडिया एक्ट के बारे में बात करेंगे तो बेटा पिट्स का इंडिया एक्ट भारत में कंपनी के कार्यों को, या भारत में बेटा कंपनी के अधिकारों को दो भागों में बांटने की बात कहता है, दो भागों में बांटने की बात करता है बेटा, ठीक है ना, बात करता है। बेटा कंपनी के पास कौन कौन से अधिकार हैं अभी आपको पता है, एक तो बेटा कंपनी के पास उसके व्यापारिक अधिकार हैं, ठीक है, जिसके तहत कंपनी व्यापार कर रही है और इसी के लिए कंपनी वास्तव में भारत में आई थी, तो उसके एक तो बेटा व्यापारिक राइट्स हैं, व्यापारिक अधिकार हैं, और दूसरा बेटा जो कंपनी धीरे धीरे, ठीक है, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली है, तो इसका मतलब है कंपनी एक राजनीतिक संस्था भी है, कंपनी एक राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था भी है, ठीक है, पहली बार मान्यता 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से मिली थी, मैंने आपको बता दिया था। तो कंपनी के बेटा जितने भी व्यापारिक अधिकार थे वे सारे के सारे व्यापारिक अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन ही रहेंगे, ऐसा बोला गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन ही रहेंगे ऐसा बोला गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 होती थी, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना, एक चौथाई सदस्य, ठीक है, मतलब 6 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते थे, यह भी मैंने आपको बता दिया, प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते थे, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा, 24 सदस्य होते थे, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और बेटा ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बेटा नियुक्तियां करता था, किसकी नियुक्तियां करता था, ठीक है ना, गवर्नर जनरल और उसके परिषद की, ये भी आपको पता है, गवर्नर जनरल और उसके परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करता था, ठीक है ना बेटा। और यहां पर, ठीक है, इस अधिनियम में ये बात क्लियर की गई कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नर जनरल और उसके परिषद के सदस्यों की, ठीक है, सिफारिश करेगा, उनकी नियुक्तियों की सिफारिश करेगा, क्या करेगा बेटा, अब ये उनके नियुक्तियों की, उनके अपॉइंटमेंट की सिफारिश करेगा, नियुक्तियों की सिफारिश करेगा, इस अधिनियम में बोला गया बेटा, लेकिन ये जो नियुक्तियां हैं इन नियुक्तियों को बेटा क्राउन करेगा, ब्रिटिश क्राउन करेगा, ठीक है, भारत में गवर्नर जनरल उनके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन करेगा, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, उनकी सिफारिश करेगा, नियुक्ति की सिफारिश कौन करेगा बेटा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा, नियुक्ति की सिफारिश बेटा कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD, उनकी नियुक्तियों की सिफारिश, लेकिन वास्तव में नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन करेगा, और ब्रिटिश क्राउन बेटा, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर कभी भी उन्हें वापस भी बुला सकता है, ध्यान रखना बेटा, उन सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार भी दिया गया, वापस बुलाने का अधिकार, हालांकि ये तो बेटा पहले भी था, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में भी था, वापस बुलाने का अधिकार भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास था कि वह जब चाहे तब वापस भी बुला सकता है, ठीक है, रिकॉल, द राइट्स ऑफ रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, व्यापारिक अधिकार बेटा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में ही निहित रहे, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बेटा व्यापारिक फंक्शंस को करती थी, वापस बुलाने का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को था, नियुक्ति का अधिकार भी ब्रिटिश क्राउन को था, और उनकी सिफारिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य करते थे, जिनकी संख्या 24 होती थी, एक चौथाई सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते थे, और कुल मिला के इस तरह से एक सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष का होता था, क्लियर है बेटा, रट गया होगा अब तक। अब राजनीतिक संस्था, तो बोला क्या कि बेटा जितने भी सैन्य व असैन्य मामले होंगे, जितने भी सैन्य असैन्य मामले होंगे, ठीक है ना बेटा, मतलब जितने भी राजनीतिक मामले होंगे, अगर मोटा मोटा बोला जाए, उनके लिए एक अलग से संस्था बनाई गई बेटा, और उस संस्था का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक संस्था बनाएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, देखा जाए तो बेटा ये बिल्कुल फॉक्स जैसा नहीं है। जैसे फॉक्स ने भी तो बोला था कि जितने भी राजनीतिक मामले होंगे वो एक 7 सदस्यीय बोर्ड को सौंप दिए जाएंगे और व्यापारिक मामले उनके अधीनस्थ और उपनिदेशकों के पास रहेंगे। तो कुल मोटा मोटा ऐसे ही है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेटा एक नई संस्था बनाएगी, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई संस्था बनाएगी, लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या बेटा 6 थी। ठीक है ना, एक इसका अध्यक्ष होता था, एक इसका अध्यक्ष होता था जिसका नाम होता था राज्य सचिव, राज्य सचिव। और ये बेटा राज्य सचिव का पद 1858 तक रहा और उसके बाद इस पद को भारत राज्य सचिव ने ओवरलैप कर दिया, भारत राज्य सचिव। ठीक है बेटा, तो 1858 तक ये पद रहा, ठीक है ना बेटा, और 1858 के बाद यह पद भारत राज्य सचिव हो गया। तो इनमें बेटा ये ठीक है 6 सदस्यीय थी, मैं लिख देता हूँ, ये 6 सदस्यीय थी और इन 6 सदस्यों में एक अध्यक्ष था, अध्यक्ष राज्य सचिव था। अध्यक्ष को फिलहाल बेटा अभी तक तो वेतन नहीं मिला, लेकिन बेटा अध्यक्ष को 1793 के चार्टर अधिनियम से वेतन भी दिया जाने लगा, वेतन दिया जाने लगा अध्यक्ष को। ठीक है, राज्य सचिव को। इसके साथ साथ बेटा राज्य सचिव के साथ साथ एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, इसमें एक्सचेकर, ठीक है, कितने लोग हो गए, 2। और 4 बेटा प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे, प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे जिनकी संख्या 4 थी। तो कुल मिला के बेटा बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक 6 सदस्यीय संस्था थी जो कि बेटा सैन्य व असैन्य मामलों को अपने पास रखती थी। और यह संस्था बेटा ठीक है ना ब्रिटिश सरकार के द्वारा संचालित होती थी सरकार। तो देखो भैया 73 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाए जाने के पीछे कारण क्या था, वास्तव में देखे जाए तो सरकार को डर लग रहा था कि कहीं कंपनी स्वतंत्र ना हो जाए और स्वतंत्र होकर बेटा भारतीय भूभाग को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ना ले ले और ब्रिटिश सरकार से अपने सारे संबंध खत्म ना कर दे, ये डर था कि नहीं। और इस डर को धीरे 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 कैसे कम कर रही है सरकार, तो देखो बेटा ब्रिटिश सरकार ने व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को देके वास्तव में बेटा सारे के सारे मामले अपने पास रख लिए, खासकर राजनीतिक मामले, सैन्य व असैन्य मामले। लेकिन बेटा यहाँ पे ठीक है जो व्यापारिक मामले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिए गए हैं उसमें भी बेटा सरकार ने अपना ही पलड़ा भारी रखा है। कैसे बेटा, कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का चुनाव जो बेटा बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स करता था, बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स के बेटा सारे अधिकार छीन लिए इन्होंने, सारे अधिकार छीन लिए। बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स को मैंने बहुत अच्छे से बताया बेटा कि एक ऐसी संस्था थी जिसमें 1000 पौंड से यदि आपके शेयर ज़्यादा हैं, अधिक शेयर हैं अगर आपके 1000 पौंड से बेटा, तो आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ बेटा प्रोपराइटर्स सारे अधिकार छीन लिए गए, इनको केवल बेटा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार तो रहा, ठीक है, उनकी नियुक्ति का अधिकार तो रहा, लेकिन बेटा बाकी के जो और अधिकार थे वो सब छीन लिए गए। बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेटा पूरा का पूरा ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहता था। तो इसका मतलब है बेटा सरकार ने कंपनी के ऊपर अपना सिकंजा कस लिया, ठीक है, इस अधिनियम के तहत। और क्योंकि बेटा इस अधिनियम में अधिकारों का 2 भागों में विभाजित किया गया था, तो इसलिए बेटा इसे कंपनी में ठीक है द्वैध शासन कहते हैं, ठीक है ना, द्वैध शासन मतलब अधिकारों को 2 भागों में बांटना, द्वैध शासन। और ये द्वैध शासन बेटा 1784 से चलकर, ठीक है ना, ध्यान रखना ये 1858 के भारत शासन अधिनियम तक चलता रहा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि द्वैध शासन खत्म कब हुआ, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में जाके खत्म हुआ, जब बेटा कंपनी का शासन ही खत्म हो गया पूरा का पूरा, और कंपनी के शासन की जगह आ गया आपका क्राउन का शासन। किसका शासन आ गया, क्राउन का शासन आ गया, ध्यान रखना बेटा इस बात को बहुत अच्छे से, क्लियर है। ये मैंने आपको संरचना समझा दी कि राजनीतिक संस्था, अच्छा अब चूंकि बेटा इसको राजनीतिक मामले हैं, सैन्य व असैन्य मामले हैं, मतलब इसको बेटा युद्ध एवं संघर्ष और संधि से संबंधित मामले हैं, युद्ध संघर्ष और संधि से संबंधित मामले बेटा किसके पास है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब क्या बोलेगा, या फिर बेटा ठीक है ब्रिटिश सरकार क्या बोलेगी, इस ओर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार सबसे पहली बात कहेगी बेटा, नंबर फर्स्ट थिंग, कि बंगाल का गवर्नर जनरल
प्लस उसकी परिषद, उसकी परिषद। अब यहां पर बेटा सबसे जरूरी बात यह है कि बंगाल के गवर्नर जनरल उसकी परिषद की संरचना में परिवर्तन हुआ। यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं, बंगाल के गवर्नर जनरल उसकी परिषद की संरचना में परिवर्तन हुआ। पहले एक गवर्नर जनरल और बेटा चार सदस्य होते थे, ठीक है। अब सदस्यों की संख्या चार से घटाकर बेटा तीन कर दी, ठीक है ना। एक पहले क्या होता था बेटा, एक गवर्नर जनरल यहां पर लिख देता हूं और उसकी परिषद के चार सदस्य होते थे, होते थे कि नहीं बेटा, टोटल ये पांच सदस्य ही थी। लेकिन अब बेटा एक गवर्नर जनरल और ये संख्या घटाकर बेटा कितनी कर दी गई, तीन कर दी गई, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार नहीं था, अब गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, ठीक है बेटा। यह वास्तव में रिफॉर्म 1781 में नहीं हुआ था और इसी रिफॉर्म को बेसिकली करने के लिए बेटा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, कि उसे मत देने का अधिकार दे दिया गया, उसकी परिषद की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गई। इसका मतलब है कि गवर्नर जनरल को और अधिक अधिकार मिले, मत का अधिकार मिला, इसका मतलब है बेटा उसके अधिकारों में, ठीक है ना, बढ़ोतरी हुई, बढ़ोतरी हुई, उसके अधिकार स्वाभाविक सी बात है बेटा कहीं ना कहीं बढ़े, अधिकारों में बढ़ोतरी हुई। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था बेटा कि ब्रिटिश सरकार ने बोल दिया बंगाल का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, ठीक है ना, बिना सरकार की अनुमति के, बिना सरकार की अनुमति के, अनुमति के युद्ध ऑब्लिक संघर्ष, ठीक है बेटा, या किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मतलब यदि युद्ध संघर्ष संधि नहीं कर सकती तो इसका सीधा सा मतलब है बेटा कि भारत में, भारत में साम्राज्य विस्तार की मनाही, भारत में साम्राज्य विस्तार की मनाही कर दी गई, कि भारत में साम्राज्य विस्तार की मनाही, ठीक है बेटा। सबसे प्रमुख प्रावधान था। तीसरा प्रावधान क्या था, तीसरा प्रावधान को भी समझें बेटा। तीसरा ये था कि पहली बार, ठीक है ना, सरकार ने, सरकार ने पहली बार बेटा कंपनी के प्रशासित क्षेत्रों को, कंपनी के प्रशासित क्षेत्रों को, मतलब जिन क्षेत्रों में कंपनी प्रशासन कर रही है, तो कंपनी के प्रशासित क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश राज्य कहा, ब्रिटिश भारत के राज्य कहा, ब्रिटिश भारत के राज्य कहा, ठीक है। इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर सरकार ने पहली बार बेटा कंपनी के प्रशासित क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत के राज्य कहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भैया अब सरकार ने, ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पर इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कंपनी के जितने भी क्षेत्र हैं भारत में वो कंपनी के ना होके सरकार के हैं, क्राउन के हैं। क्लियर है, इस बात को क्लियर कर दिया, इसलिए बेटा उनको ब्रिटिश भारत के राज्य कहा गया है, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र कहा गया है। तो कहानी कुछ इस तरह से है बेटा, कहानी कुछ इस तरह से है, आप इस बात को, पूरी बात को बहुत अच्छे से समझो कि जिस बात का डर था वो बात नहीं हुई, ठीक है ना। और सरकार ने बेटा धीरे धीरे कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या बिगड़ी कि सरकार ने तो भैया कंपनी को अपना बिल्कुल गुलाम बना लिया, गुलाम से मतलब है कि कंपनी पर बहुत अच्छे से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जो सरकार कभी कंपनी से डरती थी, जिस तरह से कंपनी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर रही थी, केवल कंपनी को होने वाली आर्थिक क्षति ने कंपनी का बेटा बेड़ा गर्क कर दिया। क्लियर है। चलिए, अब कंपनी स्वतंत्र होती या नहीं भविष्य को कोई नहीं बता सकता बेटा, लेकिन हाँ सरकार को जिस बात का डर था वो जरूर बेटा उस बात को जरूर, ठीक है ना, क्लियर कर दिया गया। चलिए, ये बात क्लियर हो जाती है, ठीक है बेटा, ये बात आपको पता चली। तो मैंने क्या बोला, राजनीतिक संस्था, सैन्य व असैन्य मामले, ठीक है, ये बात मैंने पूरी क्लियर कर दी। युद्ध संघर्ष संधि, ये जितने भी राजनीतिक मामले हैं, जैसे युद्ध संघर्ष संधि, इन सभी राजनीतिक मामलों को बेटा बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्य था, ठीक है, इन 6 सदस्य में एक अध्यक्ष था जिसका नाम राज्य सचिव था, जिसको 1793 से भारतीय राजकोष से वेतन मिलेगा। इसको वेतन बेटा भारतीय राजकोष से दिया जाएगा, ध्यान रखना, भारतीय राजकोष से दिया जाएगा इसको वेतन, भारतीय राजकोष से। और कब तक दिया जाएगा, 1919 के, ठीक है, भारत शासन अधिनियम तक दिया जाएगा, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक बेटा इसको वेतन दिया जाएगा। ध्यान रखना 1793 से प्रारंभ हुआ, 1919 तक दिया गया। इसके साथ साथ इसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर और चार प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे, ठीक है बेटा। व्यापारिक मामले सारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास बने रहे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य आज भी बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स से आते थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्य थे वो बेटा गवर्नर जनरल उसके परिषद के सदस्यों की सिफारिश करते थे और नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन करता था, ठीक है ना। इसके बाद बेटा ब्रिटिश सरकार
ने किस तरह से बेटा कंपनी पर अपना शिकंजा कसा, तो उसका बेटा मैंने जीता जागता उदाहरण आपको दे दिया। बंगाल का गवर्नर जनरल उसकी परिषद में बेटा, ठीक है, थोड़ी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि हुई, यहाँ पर बेटा उसको मत देने का अधिकार मिला। बिना सरकार की अनुमति से भारत में कोई भी युद्ध संघर्ष या संधि नहीं कर सकते, भारत में साम्राज्य विस्तार की मनाही और सरकार ने कंपनी के प्रशासित क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत का राज्य कहा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा बहुत अच्छे से, मैं डाल दूं बेटा। चलिए अब हम बेटा इसके प्रावधानों के और आगे चर्चा करेंगे। चलिए इसका अगला प्रावधान है बेटा कि मद्रास और बंबई जो दो और प्रेसिडेंसियां थी, ठीक है ना, अभी तक बेटा इनका प्रश्न तो अभी सॉल्व नहीं हुआ ना, क्योंकि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों में जो 1773 में बोला गया था कि ये आपातकालीन परिस्थितियों में कानून बना सकती हैं, तो आपातकालीन परिस्थितियां क्या होंगी बेटा इसका जिक्र नहीं था, ठीक है ना, और ठीक है और भी बहुत सारी कमियां थी। तो बोला गया बेटा कि जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी है वह पूर्ण रूप से, है ना, मैंने जोर दे के बोला है बेटा, पूर्ण रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन है, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन है, पूर्ण रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन है। तो इसका मतलब है बेटा कि वो कोई आपातकालीन परिस्थिति है ही नहीं जिसमें ये कानून बना सकती हो, अर्थात इनके संदर्भ में कानून बनाने का पूरा अधिकार बेटा, इनके संदर्भ में कानून बनाने का पूरा 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 का पूरा अधिकार बेटा बंगाल के गवर्नर जनरल और बेटा उसकी परिषद के पास था। अब उसकी परिषद में बेटा सदस्यों की संख्या 4 से घटके कितनी हो गई है, 3 हो गई है, ये बात आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बात। अच्छा इसके साथ साथ बेटा दूसरा प्रावधान ये था इसमें कि मद्रास और बंबई में भी ठीक है ना, ठीक उसी तरह से बेटा जिस तरह से बंगाल में एक गवर्नर जनरल है और साथ ही साथ बेटा उसकी काउंसिल के 3 सदस्य हैं, तो इस तरह की बेटा एक संरचना की स्थापना मद्रास और बंबई में भी कर दी गई। तो मद्रास और बंबई में भी एक गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के 4 सदस्य, ठीक ना, उसकी कार्यकारिणी के, उसकी काउंसिल के 4 सदस्य, कार्यकारिणी के, ठीक है, 3 सदस्य, ठीक है, एक गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के 3 सदस्य, सॉरी, ठीक है बेटा। तो ये सबसे प्रमुख प्रावधान था इस अधिनियम का कि मद्रास और बंबई के प्रश्न को सॉल्व किया गया, क्योंकि वहां पर जो आपातकालीन परिस्थितियां थी उस प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया कि वह पूर्ण रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई और मद्रास और बंबई में भी बेटा, ठीक है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी की तर्ज पर ठीक है ना, काउंसिल का निर्माण किया गया जिसमें एक गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के 3 सदस्य होते थे, ठीक है, 3 सदस्य होते थे, ध्यान रखना बच्चे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बेटा। चलिए और एक और प्रावधान इसका बचा हुआ है, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ठीक है ना। अच्छा बेटा मैं एक कंपेरिजन भी करता हुआ चला जा रहा हूं ना, 1773, 81 और 84 में, जिससे कि आपको कोई डाउट ना बचे, ठीक है बेटा। तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट को बेटा 1781 के संशोधन में अधिकार दिया गया था कि वह कलकत्ता के सभी निवासी उसके अधिकार दायरे में आते हैं, कलकत्ता के सभी निवासी, 1781 में यही था, कलकत्ता के सभी निवासी, ठीक है बेटा। 1773 में तो हालांकि क्लियर ही नहीं था उसका अधिकार क्षेत्र, लेकिन 1781 के संशोधन में क्लियर किया गया था, आपको पता होगा बेटा, है ना, अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखे हैं तो पता होगा, प्रीवियस लेक्चर को। तो 1781 के संशोधन को के तहत बेटा कलकत्ता में सभी निवासियों को इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया था, इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल है, शामिल है कौन कौन बेटा, ठीक है ना, यूरोपीय भी शामिल है, यूरोपीय का मतलब है अंग्रेज प्रजा और साथ ही साथ बेटा भारतीय में बेटा जो हिंदू हैं उनके विवादों का निपटारा हिंदू रीति रिवाज के आधार पर,
जो मुस्लिम हैं उनके विवादों का निपटारा, ठीक है बेटा, इस्लामिक कानूनों के आधार पर होगा। लेकिन बेटा इस अधिनियम में, ठीक है ना, मैं आपकी तरफ देखता नहीं हूँ, लिखता जाता हूँ व्हाइट बोर्ड पर, वो इसलिए बेटा कि कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, अगर मैं सामने बोल के आपको पूरा लेक्चर देता रहूँगा तो मैं लिख नहीं पाऊँगा, और मैं नहीं लिख पाऊँगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, ठीक है। चलो, तो बेटा इस अधिनियम में बोला गया कि जो भी भारतीय लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम हों, उनसे उन्हें छूट दे दी गई। और अब सुप्रीम कोर्ट में बेटा सभी निवासी नहीं, केवल बेटा, ठीक है ना, अंग्रेजी प्रजा इसके अधीन आई, केवल अंग्रेजी प्रजा इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल थी, अर्थात केवल अंग्रेजी प्रजा इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल की गई। तो कुल मिला के बेटा ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, जो कि बेसिकली 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, और 1773 की वह कमियां जो 1781 के संशोधन में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, या फिर बंगाल जुडिशरी एक्ट में जो दूर नहीं हुई थी, तो एक और प्रयास किया गया बेटा पिट्स इंडिया एक्ट में, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। मैं एक बार और मोटा मोटा इसको पूरा रिवीजन कर देता हूँ, ये एक्ट क्यों लाया गया आपको पता है। अब इसको लाए जाने के कारण आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक। प्रशासनिक कारणों में बेटा प्रशासनिक सुधार, और प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रशासनिक नियंत्रण आवश्यक है, और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए बेटा सबसे पहले तो जो गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के बीच में जो मतभेद है उसको दूर किया जाए, दूर किया गया। उसकी काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, और यदि उसके काउंसिल के सदस्यों की संख्या बेटा 4 से घटा के 3 करी, उसके काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटा के 3 करी, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा गवर्नर जनरल के अधिकार बढ़ गए, और साथ ही साथ गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार भी मिला, ठीक है। प्रशासनिक सुधार। राजनीतिक सुधारों के अंतर्गत बेटा, ठीक है, युद्ध, संघर्ष और संधि जो लगातार कंपनी कर रही थी बेटा, ठीक है ना, उसको, ठीक है ना, अब मनाही कर दी गई कि वह युद्ध, संघर्ष और संधि, ठीक है, तब तक नहीं कर सकते जब तक वह ब्रिटिश सरकार से ना पूछें, इसकी अनुमति ना लें, ठीक है ना। हालांकि बेटा 1781 में, ठीक है, प्रावधान आपने देखा था बहुत अच्छे से, लेकिन इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। इस कमियों को दूर किया गया बेटा राजनीतिक सुधारों के अंतर्गत, और आर्थिक सुधारों के अंतर्गत बेटा जो मराठा युद्ध के कारणों की जांच करने के लिए जो गुप्त समिति बनाई गई थी, उस गुप्त समिति का अध्यक्ष जो डंडास था, ठीक है बेटा। अच्छा, एक और बात याद रख लो कि जो बेटा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, मुझे याद आ गया, मैं आपको समझा देता हूँ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का बेटा जो प्रथम अध्यक्ष है, पहला अध्यक्ष बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ठीक है, वह डंडास था, और इसका जो बेटा अंतिम अध्यक्ष है, बहुत पूछा जाता है, इसका जो अंतिम अध्यक्ष था, अंतिम अध्यक्ष वह बेटा आपका एलन बरो था, लॉर्ड एलन बरो, एलन बरो। इसके बाद तो बेटा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1858 के अधिनियम में खत्म हो जाती है। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें बेटा भारत में जो चला आ रहा द्वैत शासन था कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया जाता है, और अगर उसको समाप्त कर दिया जाएगा बेटा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बचेगी ही नहीं, समाप्त हो जाएगी, ठीक है, इस बात को भी क्लियर कर लेना। तो डंडास के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, और बोला गया भाई, डंडास ने जो बोला था कि ऋण दे दो 10,00,000 पाउंड का, उस प्रस्ताव को पूर्ण रूपेण अस्वीकार कर दिया गया। इस बात को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। इसके बाद फिर बेटा फॉक्स ने, ठीक है, फिलिप फ्रांसिस और एडमंड बर्क की सहायता से एक इंडिया बिल बनाया, वो भी बेटा हाउस ऑफ कॉमन्स में तो पारित हो गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो भी गिर गया। वो गिरा तो पहला और अंतिम ऐसा अवसर था कि जब भैया किसी भारतीय मामले पर ब्रिटेन की सरकार गिर गई हो। फिर पिट्स जनवरी 1783 में प्रधानमंत्री बनते हैं, वो पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आते हैं, और वे बेटा कंपनी के अधिकारों को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई संस्था बनी जिसका अध्यक्ष बेटा राज्य सचिव होता था, जिसको 1793 से वेतन मिला, और 1919 तक भारतीय राजकोष से ही वेतन मिलता रहा, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के भीतर सभी राजनीतिक, सैन्य और असैनिक मामले थे, ठीक है ना। और कंपनी भारत में अगर कोई भी संघर्ष, युद्ध या संधि करती है तो उसके लिए ब्रिटेन की सरकार की जरूरत, उसके ब्रिटेन की सरकार की बेटा अनुमति की आवश्यकता है गवर्नर जनरल को, वह तभी ऐसा कर सकती है। यह पूरे के पूरे प्रावधान आपने देखे। कुल मिला के निष्कर्षों की अगर हम बात करेंगे तो जब हम 1793 के अधिनियम को पढ़ेंगे, 1793 के अधिनियम में बेटा इसको बहुत अच्छे से, ठीक है, देखेंगे। हालांकि 1793 के अधिनियम से पहले इसमें एक संशोधन भी होगा, 1786 का संशोधन। 1786 के संशोधन को भी हमें बहुत अच्छे से देखना है कि वह क्यों हुआ, 2 साल बाद आखिर क्या ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि इसके 2 साल बाद ही हमें एक और अमेंडमेंट करना पड़ा 1786 का। उस अमेंडमेंट एक्ट को भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मस्त रहो बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ो लिखो।